प्रॉन्स फ्लॉम्बे या जिसे फ्रेंच में हम गाम्बास कहते हैं, दिस अगेन अ वेरी वेरी फ्लेवरफुल डिश जिसे हम बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से बनाते हैं, जो मोहम्मद अभी हम दिखाएगा। तो नोट डाउन कीजिए, ये डिश बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लगेंगे आपको किंग प्रॉन्स, जो ये साइज़ के प्रॉन्स है, बड़े प्रॉन्स है, जिसके आपने शेल निकाल दिए, साफ़ कर दिए और इसको डी वेन किए, देखिए आप बीच में से। उसके बाद आपको लगेगा चॉप टमेटोज, 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट और पेपर, वापस इसमें हर्ब्स यूज़ होता है, थोड़ा चॉप पार्सली, 2 चम्मच बटर और आखिरी मगर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पास्तीस, जो बेसिकली अनीसी लिक्योर है। मगर अगर आपके पास पास्तीस ना हो तो आप कौन सा भी दूसरा अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रांडी वगैरह, और लेमन जूस, और सचिन सबसे इम्पॉर्टेंट और आपका फेवरेट ऑलिव ऑयल। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले एक पैन, नॉन स्टिक पैन, इसे आप थोड़ा गर्म कीजिए। सबसे पहले गर्म पैन में हम थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम अपने प्रॉन्स डालेंगे, प्रॉन्स के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम सॉल्ट और पेपर डालें और चॉप हर्ब्स। अब साथियों आप देख सकते हो कि प्रॉन्स का एक साइड कलर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, और बटर के तुरंत बाद चॉप्ड प्याज, बारीक प्याज जो हमने काटा था, गार्लिक पेस्ट, और अब हम इसे हिलाएंगे थोड़ा। इसे आधे मिनट तक पकाने की ज़रूरत है। इसे हमने थोड़ा भून लिया है आधे मिनट तक। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा टमाटर, 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेमन जूस, और इसे थोड़ा हिला दीजिए। इसके बाद बहुत ज़रूरी है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें इसका फ्लेवर आता है, जो है फ्लॉम्बे। तो हम अपना पास्तीस लेंगे, एंड में थोड़ा पार्सली, ये हमारा गाम्बास तैयार हो गया। अब हम इसे प्लेट पे डालेंगे। एज यूजुअल हम शेबू में प्रेजेंटेशन की, हर एक प्लेट की प्रेजेंटेशन में बड़ा ध्यान देते हैं। हमेशा एक बैलेंस होता है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ होते हैं और इस तरफ शेफ की गार्निश होती है। ये जो हमने प्याज और लहसुन को भुना था, उसका मसाला बोल सकते हो, थोड़ा पार्सली, ये हो गया हमारा गाम्बास तैयार।